यार शिवाना यार रेले मिस यू यार, कद आएंगे तू वापस? ओ मैं नहीं आना हूं यार, तू 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 मैच कर, मैं ही करा। ऐ की गल हो यार शिवाना, तू तू की कर रही है यार? तू तो मैच करना पे लग रहा, सारे मेरे मैसेज ही कर रहे, कमेंट भी पढ़े नहीं। शिवाना आंटी ने उसे मैसेज ही करता, गलत कर ले फिर, मैं नहीं आना। ओए ते मुंडे में मजाक कर देने यार, तू सीरियस ही हो जानी है, तेरे बगैर सारा गुजारा है भला, बेवकूफ ना होते तो मुंडे मजाक कर देने तेरे नाल। ओ नहीं नहीं, मैं नहीं आना, तू जा फिर। ओ यार कुछ नहीं होंदा यार, मुंडे मजाक कर देने, तू की परेशान हो रही है? ओने इन सारे ने लिखा वो डोंट मिस शिवाना आंटी, ऐ ते गलत गल होई ना फिर, मैं सारे कमेंट पढ़े ने। ओ यार चल हूँ रख फोन, मैं ना और भी काम ने, मैं कर तेन कर लिया फोन। चल ठीक है ओके। लो भाई तुम बकरा फटा बात है यार, तुम चंगे रह गए हो, तुम सारे लिखे पे ऐसा शिवाना आंटी तो मिस नहीं करना, बड़े डैश यार तुम तो, वो हूँ नाराज हो गए, मनाना पाएगा शिवाना भी। खैर कोई गल नहीं, असें की करिए। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, की हाल चाल ने, ठीक हो ना, सब खैरियत है? तो यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऐ वेखो अज तो बड़ा सोहना मौसम बनया, लेकिन फटे अज ज्यादा नहीं, क्योंकि यार वो अज V8 का कुछ करना, तुम्हें पता वो एक्सीडेंट हो गया से, फिर वह हूँ कोई हल भी करना है, एनू ए कि कम लगा है। हाँ भाई जिम्मी पुत्र की सिचुएशन है? हाँ तो आप बोलो की सीन है, दस मैनु। कोई नहीं आप बताओ क्या करना है बताओ। ऐसा किधर है वो? ऐसा मैं तो सुबह टैक्सी करा के चले गए थे अपने घर, कह रहे थे मैं तेरा वो गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर रखता हूँ, क्योंकि गाड़ी काफ़ी टाइम से उनकी ना बंद खड़ी थी, तो कह रहे थे मैं गाड़ी स्टार्ट कर रखता हूँ, तो फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या करना, मुझे बुला लेना चीज़ आना होगा। चल शुक्र है उन्हें भी कॉपड़ा पेट्रोल लाएगा उन थोड़ा जहा। हाँ ना यार, नहीं तो काफ़ी टाइम हो गया इधर ही थे हमारे साथ। आहो वही तो मैं कह रहा। अच्छा हूँ दस की करना चलिए फिर। हाँ चलो बस एक सेकंड में एक मैसेज कर दूँ, कर ले जल्दी। आए हाय हाय शिवाना मिस यू यार। हाँ जी चले आ, चल चलिए आ जाओ, इसी पे चलते हैं मेरी वाली पे। हाँ ओ है कितने मार ली हूँ अब भाई, जिस आपके लेक्चर देखे आ रहे थे उसने लगी है। ओ लाओ जी चलो ये भी उन्हें पढ़ा दी, फिर कर देगा ठीक। हाँ ना इसलिए कह रहे हो इसी पे चलते हैं यार, अच्छा खासा नुकसान हो गया। खैर चलो ये नुकसान नुकसान तो होते रहते हैं, क्या करें। बैठो भाई आ, चल बह रहे चल चलिए, बैठो निकले। चल भाई शीशे तो पूरे टेंट कराते ने बाहर से है ना, अंदर बहुत अच्छे वाले पेपर देखो, अंदर से बिल्कुल महसूस हो रहे हैं। ओ नहीं यार तो मतलब बड़ा ही हैवी पेपर लगाया, कितने लगाए? ये थोड़ा महंगा है लेकिन सही, अच्छा पेपर मिलता बड़ा मुश्किल है। ओ सही है यार, सही है तो ठीक है। हाँ बाकी भाई तब तक आप लोग थोड़ी सी गुफ्तगू ये करनी, यार आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने कहा था 50 कमेंट वीडियो पूरे करने हैं और 50 कमेंट आप लोगों ने पूरे कर दिए, थैंक यू सो मच। हाँ वीडियो पर लाइक हमने पूरा किया यार, आप लोगों ने बड़े डैश हो, लाइक थोड़े से कम है, 20-30 लाइक्स रहते हैं, तो यार लाइक भी किया करो यार वीडियो को, सही है? तो जल्दी से जाओ अभी लाइक करो यार, भाई नहीं मेरे निकलते हैं। बाकी इस वीडियो का लाइक हम दोबारा से है 300 लाइक्स का और 50 कमेंट्स करने हैं दोबारा से। लास्ट टाइम एक भाई ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया तो उन भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और चलो फिलहाल निकलते हैं ठीक है। बाकी कमेंट शमेंट मारा करो यार अच्छे, सही है, लेट्स गो। अच्छा हूँ दास की करना है। अच्छा आपका सीन ये है कि यार हम लोग जा रहे हैं भला जाते हैं रशीद के पास, उधर जाकर डिसाइड करते हैं कि आप गाड़ी का क्या करना है, रेंट वालों को देनी है, रशीद से मशवरा कर लेते हैं ना। आपने रशीद को फ़ोन करके रोका था? हाँ मैं रशीद को फ़ोन किया था, मैं कहा यार गाड़ी का काम ना कर, असर ना तेन दस दिया फिर। चलो अच्छा किया तो खैर उधर जाकर पता करते हैं ना क्या सीन है, रशीद से मशवरा वगैरह कर लेते हैं तो फिर सारा सीन कर लेते हैं। ओके चल ठीक है। ओए मेरी गल मेरे देश देने जी गल आ रही है, क्या बात आ रही है, इंज करने हैं कि गड्डी लई हुई है एसन ने ना दे रेंट ते गड्डी लई है ठीक है, तो एसन कोई कम बंदा भी एडा कम है कोई नहीं तेन पता है। हाँ बंदे सच में काम के नहीं है तो सुन तो सही ना पहले एसन लग जाना नहीं दिया, इंज करने हैं कि गड्डी देने हैं वो गड्डी जाके पढ़ाने हैं उन्हू जे रेंट वालों, तो पैसे सारे एसन भरने पैणगे क्योंकि एसन के ना ते गड्डी है, तो एसन दफा मार दोस्ती खत्म कर। अब यार ये तो ज्यादा है यार बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कोई चंगा ना लीजिए तो 35-40 लाख का खर्चा है, चलो वो सर पर आइएगी आप फौज ही भुगता रहेगा। नहीं नहीं यार ये गलत बात है, तो आप ये जरा गलत बात है। ओ यार कुछ नहीं होता है जिम्मे समझ यार, वे 35-40 लाख साढ़ा बच जाएगा, वे ऐसा वो फलूल जहा बंदा दफा मार से फिर वो पेठे पै जाएगी गड्डी, क्योंकि वो ना तो उन्हें पैसे भरने पैने नहीं तो उन्हें परचा भी होता वे होना, तो की कहना आप एक कर रहा भाई पागल तो नहीं हो गया? नहीं नहीं तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं यार, ऐसा तो कभी भी नहीं, इतने अच्छे दोस्त हैं इसमें मैं नहीं उनसे दोस्ती खराब करने वाला। ओ यार तू भी मान जा यार, मान ला व्यक्ति 35 लाख बच जाएगा फसूल
यार उनकी तो गलती भी नहीं है, उन्होंने थोड़ी मारी है। चलो रशीद को खिलार, रशीद को किया फोन में। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे है जनू? अल्लाह का शुक्र। आए एक तो तैयब भी है, रौनक लगी है ने। आ चल ठीक है ठीक है, बकवास ना कर। ओए जिमी जरा ऐसे फोन कर, मुझे जरा जल्दी आ। अच्छा अच्छा मैं उनको कहता हूँ किधर ही आ जाए, एक सेकंड। हेलो हाँ इस पर यार, ऐसे करो उधर रशीद की वर्कशॉप पे आ जाओ, उधर ही आता है पर मैं। जल्दी आ जल्दी। ओके 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 ओके। हाँ की कह रहे, आ रहे? हाँ आ रहे आ रहे। हाँ रशीद भाई सुनाओ क्या सीन है यार? ये यार मेरी गाड़ी का भी काम करना थोड़ा सा। चैनू साहब हो जाएगा, टेंशन फ्री हो गया। चलो जी चलते हैं, वहाँ ट्रैफिक तो काफ़ी कम है, सुकून है, पता है पी पी अभी भी आवाज़ें आ रही होंगी। खैर ये रही हमारी प्यारी गाड़ी, आप लोग पता है सिविक की जगह होती थी, सिविक 11 जनरेशन की, लेकिन भाई उसको हमने बेच दिया था। अब सर से बल्ली उतार दी थी क्योंकि वो जब निकालते थे लग जाती थी। अब इसको यहाँ पे खड़ा किया हुआ था क्योंकि यार उधर जो है ना वो इधर तब खड़ी करने थे इस पार्किंग में जब आप लोगों ने रेगुलर गाड़ी चलानी हो। आप लोग याद होगा मैंने आप लोगों को एक बार यहाँ पर गाड़ी दिखाई थी, टोयोटा क्रोला जो ग्रैंडी मॉडिफाई करवाई थी लड़के ने। अभी मुझे पता नहीं वो है किधर, मैं तो कल से मैं आज सुबह आया हूँ तो मैंने देखा नहीं, शायद कि बाहर गया भाई छोड़ गया, मुझे नहीं पता उसका। नहीं तो मुझे लगा था शायद एक नया दोस्त मिल गया गाड़ियों वाला, लेकिन खैर कोई बात। ओए 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 इसका साउंड मैं कहता हूँ कमाल, थोड़ा इंजन गर्म हो ले। सो वैसे मैंने इंजन गर्म किया तो यार ज़रूरत नहीं है। अब यार दरवाज़ा बंद करना एक सेकेंड। चलो भाई यार लो बहुत है गाड़ी, नीचे काफ़ी लगती है, लेकिन खैर मज़े भी तो करने हैं ना। इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर करा दूँ रशीद के पास जाके ना, क्योंकि गाड़ी नीचे से बहुत ज़्यादा लग रही है। देख रोड के ऊपर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कोई जंप आ जाए कुछ भी हो जाए नीचे से फुल रगड़ती है गाड़ी। अभी इधर जब मैंने खड़ी की थी लास्ट टाइम जैसे अब निकाली है गाड़ी, तो यार इधर भी इतनी रगड़ रगड़ की गाड़ी नीचे से लगी है। खैर बाकी यार मानना पड़ेगा इस गाड़ी को भाई, इसने दिल खुश कर दिया। मैंने आगे पहला सेल्फ मारा कुछ डेढ़ दो हफ्ते बाद और गाड़ी ओके स्टार्ट, मैं कहता हूँ कमाल, मतलब कि यार लेवल कर दिया इस गाड़ी ने। अभी मैं इसको ज़्यादा भगा नहीं रहा, उसको ही जाएंगे क्योंकि यार ज़रा पेट्रोल बहुत महंगा ना समझे, कोई एवरेज बनानी पड़ती है। या अब जिमी वगैरह गाड़ियाँ तो है नहीं जिनके ऊपर पेट्रोल उड़ाता रहूँगा तो मुझे मसला नहीं होगा, अपनी गाड़ी है इस पर ज़रा भी पेट्रोल उड़ाएंगे तो वो खुद ही भरना पड़ना। तो बेहतर यही है कि अभी हम इंसानों की तरह इसको चला लें ताकि मसला ना हो, पहले पैसों की कमी है भाई। खैर जो सिविक वाले पैसे हैं उसका यार मैं सोच रहा हूँ कोई न्यू एक प्रोजेक्ट कार लूँ। आप लोगों को याद होगा जब मैंने सिविक 11 जनरेशन बेची थी अपनी, उसके पैसे अभी तक मेरे पास सेफ है, मैंने उसमें से एक रुपया भी लगाया तकरीबन वही देखिए 80 लाख है वो। ठीक है तो अब बताओ कोई गाड़ी सजेस्ट करो कि यार कौन सी गाड़ी लें, ठीक है कोई प्रोजेक्ट कार हो जाए या फिर वैसे कोई स्पीड के लिए कार हो जाए, आप लोगों को सजेस्ट करना ठीक है। बाकी पहुँच तो आए हैं भाई, तो भाई महफिल लगाई हुई है। चलो ओए 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 दोनों लालो रानियाँ मिल गई। चलो भाई प्यारे कितने ज़्यादा लगते हैं उसमें लो ज़्यादा। वैसे एक बात बताऊँ, लुक जो है ना लो तो मेरी ज़्यादा लुक ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा प्यारी, लेकिन जो लाइटें जो है ना E140 की ज़्यादा प्यारी हैं जो मुझे लगती हैं भाई कसम से, शेप इसकी ज़्यादा प्यारी है। खैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है असम भाई? ठीक ठाक ठीक ठाक। हाँ जी सुनाओ क्या सीन डिसाइड हुआ? पहले तो आओ गाड़ी दिखाऊँ आपको। हाँ हाँ चल दिखा। हाँ वो पीछे खड़ी दिखाई। हाँ मैं दिखा दो एक सेकंड। ओ खैर भाई तो तकरीबन ठीक ही खड़ी है यार, ये तो ये साइड है ना आगे से देखो। अच्छा वही ना यहाँ से देखने से ये साइड तो बिल्कुल ठीक पड़ी है, उस साइड पे तो स्क्रैच तक नहीं आया भाई। उस साइड पे देखो ना। हाँ हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। ओह शिट पीछे से तो फ्रेम ही टेढ़ा हो गया सारा। एक सेकंड ये देखो ये सारा। ओह शिट यार गाड़ी स्टार्ट होने की कंडीशन में है। हाँ हाँ करो करो स्टार्ट करो करो, पीछे करो, मैंने भी पहले पीछे करके देखी है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। चाबी अंदर ही अंदर ही अंदर ही अभी लगाई है मैंने। ओके बस बस ज़्यादा ना चलाओ बस यहीं पर काफ़ी है। हाँ हाँ रुक तो सही, देखने तो दे बुरा के। ओह शिट मैन ये तो बहुत बुरा सीन हो गया जिमी। अबे आ ना अभी इसने फेंडर जो है वो डेंट डोंट निकाले हैं फेंडर के, कह रहा था मैंने काम स्टार्ट कर दिया लेकिन तैयार फिर रोक दिया। फेंडर के तो डेंट निकाले हैं, फ्रंट बम्पर ग्रिल लाइटें अंदर से और डेंटिंग पेंटिंग बोनट, इस साइड पे थोड़ा सा डेंट है अंदर जो मुझे लग रहा है, और पीछे गाड़ी यार ये तो अच्छा खासा नुकसान हो गया जानू गाड़ी का। अबे हाँ ना
अबे आना है इसलिए तो मुझे टेंशन हो रही है। लेकिन यार ये तुझे बात बताऊँ, बिल ज़्यादा बनाया है इसने रशीद ने। अबे नहीं नहीं ऐसे मैं बता दूँ सीन, बताइए क्या सीन जी। एक तो भी उसने फेंडर जो है निकाल दी, फेंडर जो है उसका डेंट निकाल दिया, फेंडर भी अच्छा खासा जो है ना डेंट डला हुआ था, वो बता रहा है ठीक है। बाकी उसके अलावा गाड़ी की हर चीज़ अब नई डल रही है ठीक है, बम्पर ऊपर से बॉडी अंदर घुस गई हुई है, वो उसको बाहर निकालना आपको पता सारा मेन काम वहाँ पे है। और फिर उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ नहीं डलेगी। हाँ ये भी है जो इंजन लगा है ना, ये जो ये अंदर घुसा भाई, आगे रेडिएटर वगैरह ये सब कुछ छोड़ गया ना इसका। हाँ भाई हाँ ना वही तो, ऊपर से लाइटें इसकी इतनी महंगी है। चल सही आ देगा, अब क्या करना है मुझे बता, क्या डिसाइड किया करेंगे। हाँ अभी आओ ना डिसाइड करते हैं उनके साथ। चल ठीक है ठीक है। ओए ओए प्यारी लग रहा, धुलवाई है क्या? हाँ जब मैं सुबह जाता था तो मैंने वॉश करवाई थी, वॉश करवा के फिर मैंने खड़ी। अबे मेरी गाड़ी को टायर टच हुआ है आपका। ओ खैर चल पूरा सिर्फ बड़ी यार, मैंने करीब करके पार्किंग में कही है, वही दरवाज़ा ही बड़ी मुश्किल खुला मेरा। रुक गाड़ी तो नहीं टच हुई। अबे नहीं गाड़ी नहीं टच हुई लेकिन टायर हुआ है। तेरे रिम को टच हुई है, चल खैर कोई नहीं, ईजी सीन है। अबे यार चलो आपका ही होना, मेरा तो रिम है मैं जो गया, वो उसको कुछ होना भी नहीं है। चल खैर है जानू, वो कुछ नहीं है तो पेपर लगा, वैसे भी कुछ हो गया तो खैर है। तो उस ना कब रिपेयर कब करवा रहा है? हाँ अभी देख जानी है इसको गाड़ी। बस ठीक है ठीक है। हाँ जी यारा सुनाओ क्या सीन है, क्या करना है? यार फोन जो निकले नहीं था तो फिर गल होए ना। हाँ एक मिनट बस एक मिनट एक मिनट। हाँ जी बताओ अब। आप लोग बताओ क्या करना है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा यार। तैयब मैंने जो है ये सोचा है कि गाड़ी जाके देते हैं, जिनसे रेंट पर गाड़ी ली है ना उन्हीं को देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था हमारा रूल है गाड़ी लग जाती है तो आप हमारे से रिपेयर करवा के तो फिर जो बिल बनेगा वो हम आपको देंगे, आपको पे करना होगा। अबे यार इसमें मैं इस पर एक बात बता करूँ, ये नहीं कि मेरा वर्कशॉप आप बेशक जहाँ मर्जी से ठीक करवा लो, लेकिन जो उन्होंने रेट बनाना है ना वो उन्होंने बहुत हाई बना देना है ठीक है। मैंने फर्स्ट 32 लाख बताया, उन्होंने 45-50 लाख बताना है उन्होंने ठीक है। अब सीन क्या है, सीन ये है कि यार ऐसा करो गाड़ी कराओ बाहर से रिपेयर ठीक है, गाड़ी का एक हफ्ते और रेंट के लिए ले लो, अगर मेरे से करवाए तो मैं हफ्ते का गाड़ी रेडी कर दूंगा ठीक है। गाड़ी एक हफ्ता और रेंट पे लो तो जब रिपेयर करवा लो ठीक है, रिपेयर करोगे जब उनको दोगे ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 लाख चार्ज करेंगे ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अबे हाँ ये बात ठीक कर रहे हैं, तो पास तो आज इतना दूर खड़ा हुआ है। एक मिनट मिनट, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि रशीद भाई की बात ठीक है यार, इसमें ऐसे करते हैं सुनो तैयब वापस सुनो। हाँ मैं तो सोने ले आने दिया, ऐसे करते हैं कि क्या नाम है इसको करवाते हैं रिपेयर, यहीं से रिपेयर करवा के ले जाते हैं उनके पास ठीक है। अगर उनको पता चल गया ना पता चलो तो फिर तो वेरी गुड है ना कि यार ठीक है गाड़ी उनको पता नहीं चला कि रिपेयर हुई है, और अगर नहीं पता और अगर पता चल जाता है तो वो आपको जो ऊपर देंगे बहुत हो जाएगा, 4-5 लाख चार्ज कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे सही है। तो वो हमें सस्ता पड़ जाएगा बजाय इसके कि हम गाड़ी जाकर उनको दें, एक तो फटा काफ़ी होगा, वो बड़े मस्त भी होंगे फिर। गल तो ठीक है, की कहना है सन? यार समझ तो मुझे भी आ रही है, बताओ क्या करना। मेरी मानो यही कर लो, ये सबसे बेस्ट है। चल फिर ऐसे ही करते हैं, तैयब आप उसको ज़रा गाड़ी वाड़ी ना दिखाओ, ना उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, उसको करो फ़ोन ठीक है, उसको कहो हमने हमें ना जो है अपनी रेंट रेंट डेज ना इंक्रीज़ करवाने हैं, हमें और दिन के लिए गाड़ी चाहिए, तो उससे बात करके उसको बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कराओ सही है, और इसका करो। हाँ चलो ठीक है, तू ऐसा रशीद तुम बना दे फिर पैसे कर लेंगे। अरे नहीं 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 भाई ऐसे नहीं होगा, तैयब आपके 4 लाख पहले वाले रहते हैं यार, आपको पता है मैं कितने का बिजनेस मैन हूँ, मेरी ये वर्कशॉप है यार, वो पहले वो वाला भी पे करो और इसके पैसे भी दो यार, मेरे पास पैसे नहीं है इसका सामान लेने के लिए। यार इतने कर रहे तैयब हकीकत बता रहा हूँ यार, आपके सामने मजदूर आदमी हूँ मैं, इधर पैसे कहाँ से लाऊँ यार, 4 लाख आपका पहले वो ऊपर मैंने पता नहीं किस तरह करके पैसे भरे थे, आप वो भी नहीं दे रहे। वो तो मैं दे देंगे यार, तू परेशान क्यों हो रहा है? अच्छा चल ऐसी कर, मैं तेन 2-3 दिन देना फिर काम शुरू कर दी। चलो अगर आप 2-3 दिन की गारंटी दे रहे हो तो फिर मैं इसका काम शुरू करता हूँ, अभी सामान नहीं दे रहेगा लेकिन ये डेंटिंग पेंटिंग है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चल ऐसी करना, तू डेंटिंग पेंटिंग स्टार्ट कर तो बाकी फिर कर लेने। चलो ठीक हो गया, ओके। हाँ ऋषि भाई परेशान नहीं हो, और यार ये मेरी गाड़ी के दर मैंने दिखाया ना जो करना। हाँ जिन्हें तो छोड़ जाए और कल आगे ले जाइए सुबह। हाँ यार ये लास्ट में कर रहे, मुझे पता मेरे गाड़ी का बगैर गुजारा नहीं है। अबे साले तेरे पे 2 गाड़ियाँ और पे तो खड़ी हैं, तू गुजारा कर ले ये तो दिन। चल बल्कि कल ले जाए, इजी हो जाए। चल यार बहुत अच्छा आदमी है तो ठीक है, हम निकलते हैं फिर है। हाँ हाँ ओके ओके, कोई मसला नहीं है, बाकी चक्कर लगाते रहना यार, कभी काम के बगैर भी आ जाया करो। अबे हाँ हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे यार रशीद, कोई मसला नहीं है, चलो हम निकले फिलहाल। हाँ चलो चलो भैया आओ, ये अब दोनों गाड़ी तेरे पास है सही है रशीद, अब इनका काम अच्छे से करके करते। हाँ हाँ मैं कर देता हूँ, इजी हो जाओ। चलो भाई आ जाओ, ओए ओए बैठो भाई। ओए क्या आराम ना, चलो बैठ जाओ आप आके मौजे करो। चलो भाई हाँ चले घर चले, अब घर ही जान दे। ओके वो तेरी गड्डी तो रोला ही बहुत पाती है यार।
हाँ ना वो एग्जॉस्ट वगैरह को था यही मार्केट्स वाला सीन है इसका भी। ओ इसमें सच मेरी किट। ओहो चल मैं ऐसे करता हूँ मैं शाम को इसको पहुँचा जाएंगे सही है तो वो लगा देगा फिर कल तक है मतलब कल जब तेरी गाड़ी है कि तो ये तेरा एग्जॉस भी ऐसा ही होगा परेशान ना हो पक्का ना ये देख लो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ मेरी जिम्मेदारी है मैं पहुँचा दूँगा शाम को तो मैं लड़का भेज दूँगा वो इधर पहुँचा देगा ये लगा देगा ठीक है। चलो भाई ठीक है ठीक है मैं खुश हूँ आपसे शुक्र है तो खुश हुआ मेरे से। ओए ओए यार ये पटाखे मेरे भी मारने चाहिए सब कुछ हो गया जानू क्यों परेशान हो रहा तुम इधर लगे थे इधर से यार यहाँ से मैं गाड़ी ऊपर चढ़ा तो ऊपर से एक हराम खोर उड़ाता ही ले गया था अंदर फिर रुका भी नहीं भगा लिया डैश इंसान ने। चल कोई नहीं यार ये गाड़ियाँ लगती रह जाती इसका परेशान नहीं होना। ओए यार ये तो बहुत ज़्यादा रोला नहीं है मेरे कान दर्द होने लगे मैं भी यही कहता कहने लगा था कि फिलहाल अभी ना लगवाया एग्जॉस्ट जब होगी ना जरूरत ऑटो शॉप है तब लगवा लें क्योंकि ये जानो बहुत ज़्यादा शोर होता है कान में दर्द हो जाती है शहर में चलो फिर भी तो अभी तो देख तो 5-10 मिनट बैठा लेकिन जब तू कभी लॉन्ग रूट पे जाएगा तब तेरी बात हो जाएगी ये सुन सुन के मेरे कसम सर फट जाता है। चलो अभी ऐसा करो एक बार मिस कराते हैं क्या कहते हो देख ले अगर मुझे तो कहेगा शाम को किट पहुँच जाएगी। नहीं नहीं एक बार किट रखो घर ही तो मैं फिर बताऊँगा तो फिर कर लेंगे इसका सीन। चलो ओके जैसे आपका हो यार। ओ भाई आराम से आराम से। तैयार पुछ बना आंटी किस नाम पहुँच गई थी। हाँ वो तो यार पहुँच गई थी खैर खरीद ना। चलो शुक्र है जान छोड़ी उन्होंने भी इतना नुकसान करने के बाद। ओ यार फिर भी चलो चंगी सी यार। चलो आज जिम्मे की गाड़ी की जगह मैं खड़ी खड़ी कर। सही है भाई कर लो कल सुबह तो आ जानी है। हाय चलो भाई क्या और बताओ। और यार कुछ खाने चले चलते हैं इसमें क्या। अबे यार किधर है किधर रह के घर में आराम करो खा। ओ ये रहा यार जिम्मी को मिलते हैं बहुत टाइम हो गया यार मेरा अच्छा दोस्त है एक मैं तो भूल गया था घड़ी भी चेक करवा दो ना जरा भाई। ओ सॉरी सॉरी वेलकम बैक कहना भूल गया कैसे हो यार ठीक हो सब। वेलकम बैक कहो अपने सुभान भाई को फिर। चलो भाई अबे चल खुल जा। चलो यार अबे अंकल निकाल ले क्या कर रहा है किधर है यार जिम्मी वगैरह को नजर तो नहीं। अबे वो सब खड़े हैं शुक्र है सबके सब भी खड़े हैं। हेलो जी कैसे हो सब। अबे सुभान भाई कैसे हो यार ठीक हो फिट फाट। और जुबान है बड़ा टाइम बाद नजर आया यार भाई गायब भी हो गए थे। अबे यार बस कुछ काम वगैरह थे और जरा गाड़ी का प्रोजेक्ट कर रहा था तो बस इसी में बिजी था यार सॉरी काफ़ी टाइम हो गया मगर मिले नहीं है। अबे आना यार अबे आना यार आप तो गायब भी हो गए थे बिल्कुल। बस यार ये प्रोजेक्ट देख तो सही डन किया सारा। अबे इसका कलर चेंज करवाया क्या। अबे हाँ जी नहीं पहले वो गन मेटल से था फिर पूरी ब्रेक करवा दी मैंने एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा दो पहले गया था छोटा तो उसने गाड़ी मार दी थी तो फिर वो मैंने सारी रिपेयर ही पहले मैंने पेंट चेंज करा दिया उसको सारा। और अच्छा क्या ज़्यादा लग गई थी। हाँ ये ना उल्टी हो गई थी गाड़ी वो कल्टी खा गई थी। ओए 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 भाई कैसा बच गया बच गया। हाँ वो तो ठीक है शुक्र है बच गया था वो रोल केज लगा हुआ ना तो इसलिए वो खुद बच गया था। सही है भाई बिल्कुल ही शीशे काले कराती हैं अब तो। बस यार तुझे पता तो है सारा इलीगल काम हमने ही करने होते हैं तो उस ना किधर है इवन 40 इतनी मुश्किल लेके दी थी तुझे उस दिन नजर नहीं आ रही। और यार वो जरा रशीद को दे के आया जरा थोड़ा सा काम वगैरह करा था उसका तो बस इसलिए। अच्छा 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 बाकी ठीक चल रही थी ना कोई मस्ता तो नहीं है गाड़ी में। अब नहीं नहीं भाई A1 A1 चलो शुक्र है। और यार आप नहीं आते सुभान भाई रशीद के पास क्या सीन है। यार असल में मैंने गाड़ी की बनाई थी ट्यून तो वो रशीद के पास नहीं ना होती तो मैंने जरा इसको प्रॉपर बैठेगा ना प्रॉपर ट्यून हुई है गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा इनहेंस हुई हुई है बल्कि चलो भी चलते हैं ना एक जरा राउंड लगाते हैं। अरे हाँ चलो चलो यार मुझे तो बड़ा शौक है आपको पता तो है मेरी मार्केट से रेडी करवा रहे हैं और बताओ रेसेस कब से स्टार्ट हो रही है। यार सीन ये है कि आगे कुछ रेस आ रही है तुझे पता मैंने गाड़ी तैयार करी रेसों के लिए ठीक है तो रेस आ रही है कुछ 3-4 हैं आगे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में ही हैं 2 रेसें तो फिर बता क्या करना। अब यार मेरी भी गाड़ी रेडी कराओ यार। चल फिर कल चले जाएंगे तो जाके तेरी गाड़ी दिया दे ट्यून कराते हैं बाकी गाड़ी का बता क्या सीन है। हाँ रुको रुको जाओ ना रखो चेक करो। अच्छा अच्छा जाओ जाओ करा चेक करा। अरे बड़ी लोग करा रही है गाड़ी तो। अबे हाँ ना यार लोग गाड़ी प्यारी लगती है। ये बहुत अच्छा काम किया ऐसी गाड़ी कभी स्किट होने के बहुत कम खतरे होते हैं स्टेबिलिटी बढ़ जाती है गाड़ी की। सही है टायर। अबे क्या चेक कर रहे हो। अबे टायर की प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ कितनी स्पीड तक बर्दाश्त कर सकती है 250 तक वो बेस्ट है यार टायर वगैरह तो ओके है तेरे लेकर तू कराता तो टायर भी चेंज कराने पड़ेंगे। और एक सेकेंड
अरे हौसला रहो, होली याद रखो भाई। हाँ ये तो तेरा ठीक पड़ा हुआ घर से ना, तो एक सेकंड आ जरा तुझे एक चेक करें इसको, एक सेकंड। गाड़ी में इंजन कोई कराया तो नहीं अपग्रेड? हाँ मैंने नहीं अभी तो कुछ भी अपग्रेड, एक चीज को हाथ भी नहीं लगाया। सही है, इंजन तो तेरा टाइट पड़ा हुआ हो जाएगी जन, ये ना बस कुछ चीजें डलेंगी और कुछ 3-4 लाख का खर्चा आएगा तेरा, बाकी तेरा इंजन अपग्रेड हो जाएगा। हाँ ठीक है, कराओ यार फिर इसको डन कराओ। करा लेते हैं जब तू कहेगा यार। अब बता रेस पे आना तूने? हाँ यार मेरा दिल तो पूरा, आप क्या कहते हो? चल फिर अगले हफ्ते है, तेरा नाम बुक करा देता हूँ, मैं रजिस्टर करा देता हूँ, चले जाएंगे। हाँ डन अपनी गाड़ी कर तो करवाओ, चल जी चलते राउंड पे। अच्छा यारा फिर जिमी और मैं राउंड से हो गए। हाँ हम जा रहे हैं यार, जिमी हमारा तो खाना खाने नहीं जाने लगे थे हम। अब यार वापस आए खा लेते हैं, बल्कि आप लोग खाओ हम खाएंगे, ऐसे बाद में मैं खा लेंगे। सही है भाई। यार जिमी गलत गाल है वैसे। ओह क्या हो गया यार, इतने देर से बात आया हूँ। मिल के चले जाने सारे। अब नहीं नहीं हम राउंड पे जा रहे हैं, हाईवे चढ़ेंगे ना, गाड़ी की स्पीड चेक करनी है। चलो ठीक है, जाओ दफा हो जाओ फिर। सही हो गया, चला बैठ जिमी तेरा, चेक कर रहा हूँ तुझे। अबे हाँ चलो चलो। ओए यार आपका ये साउंड आपने लगवाया ना बड़ा कम। हाँ भाई चले। हाँ जाने दो जाने दो। जरा ऐसे कि सीट बेल्ट बांध ले सारे, तेरा तो सेफ्टी फर्स्ट यू नो। अबे हाँ सेफ्टी फर्स्ट यार। लास्ट टाइम आपने जब ट्राई की करवाई थी गाड़ी, तो गाड़ी गई थी कितनी, 220 तक ना, अब कहाँ तक जाती है? अब यार आप थोड़ी हाउस पावर बढ़ाइए, गाड़ी ट्यून करवाइए, 270-280 तक जाती है इजीली। अबे भाई ना करो कसम से, ये तो वो फिर मर्सिडीज वाला हाल हो गया। हाँ ना मुझे मर्सिडीज नहीं गई तुझे, मैंने मुझे बहुत ज़्यादा तेज थी, इसके तरह वही सीन हो रहा है अब। सही है भाई। अबे इतना व्हील स्पिन यार, ये गाड़ी आगे कम पड़ी है, व्हील स्पिन ज़्यादा कर रही है। चलो ये सिर्फ तुझे चेक कराने के लिए कर रहा हूँ, वैसे गाड़ी भागती ज़्यादा। अभी देख। अबे 150-160। अबे आहिस्ता थोड़ी आहिस्ता, हाईवे पर गाना इतना पकाओ। जानू मुझे एक्सपीरियंस है क्या हो गया। मेरा एक्सपीरियंस है लेकिन आपके बाइक का भी एक्सीडेंट हुआ, कोई उधर से खुदाफाफी कर लो। ओ यार वो बेवकूफ़ को चलानी नहीं आती ना, अभी देख तो सही। तू तुझे राउंड कराता हूँ, ये बता कि तेरी गाड़ी अभी कितने तक जाती है? अबे यार 210-220 तक चली जाती है इजीली। और एंड कहाँ तक जाती है? एंड भी यहीं तक जाती है। तो साले वो इजीली थोड़ी हुई। खैर कहाँ तक तू कितनी चलता स्पीड? मैं चाहता हूँ बस रेस जीत जाओ, इतनी फास्ट हो जाए। रेस जनू तू जीत जाएगा यार, रेस के जनू बात सीन पता क्या, ट्रैफिक में रेस होनी है सारी ड्राइविंग पे। सही है, गाड़ियाँ बहुत लगती हैं रेस के अंदर ना, और रेस है पूरी इल्लीगल, तो सारा सीन है ड्राइविंग के ऊपर। अबे भाई देखी। अबे यार ड्राइविंग तो फिर मतलब ये तो बैठ सीन है, क्या सीन के कितने रजिस्ट्रेशन है, क्या सीन है यार? जो भी फर्स्ट रेस आने वाली है नेक्स्ट वीक में, उसका सीन ये है कि 50,000 रुपये एंट्री है और विनिंग प्राइज है 2.5 लाख रुपये। वहाँ जो गाड़ियाँ होंगी अबे देखी। अच्छा तो सही सीन है यार, ये तो बहुत कम नहीं है यार। ये भी पहली रेस है ना, जैसे जैसे रेस में आके तुम आगे आगे जाते जाओगे तुम बढ़ते जाएंगे पैसे। एंड वाली जो रेस है उसका प्राइस 5 करोड़ रुपये। अबे भाई, और अगर फर्ज करो गाड़ी कहीं लग जाती है तो फिर? तो वो आपका नुकसान है, और ये डेथ रेस टाइप होती है, अगर कुछ भी होता है कोई दूसरा रुकेगा नहीं। भले फर्ज करके तेरी गाड़ी पर हम दोनों दोस्त हैं, तेरी गाड़ी भी लग जाती है मैं नहीं रुकूंगा तुझे बचाने के लिए। अबे यार ये तो बड़ा खतरनाक सीन है। हाँ यार ये सब चीज़ें मैं तुझे इसलिए पहले बता रहा ताकि तू सोच ले, बाद में मसला ना हो। हाँ भाई ठीक है यार, ये तो बड़े बैठ से हैं। चलो मैं सोच के बताऊंगा फिर आपको। हैं चल बता दी, फिर कल जाना तो चल जाएंगे। अबे कितने पटाखे मार रही है, यही तो सीन है। करिए अब स्टार्ट जरा रेस। हाँ जरा चेक कराओ। हाँ 0 से स्टार्ट करें या फिर चलती भी करें? 0-0 से। चलो आगे रख के फिर करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओ भाई, अबे भाई साहब यार कितने पटाखे, 100-150। अबे गाड़ी है जहाज है, 180। देखना ट्रैफिक बहुत है। इजी हो आराम से बैठ। तू जा रही है। अच्छा मैं बोलूँगा नहीं तो तू खुद ही बकवास करता रही हो, ठीक है? मुझे तो राहत आती है यार, ब्रेक तो काफ़ी अच्छी लगवाई है आपने। हाँ यार बस ये तो फिर ज़रूरी है ना। चलिए अब बाकी थोड़ा सा आएगा ना, जरा सीधी रोड है कि तू वहाँ पर तुझे गाड़ी बुका के चेक कराता पूरी। हाँ कराओ। अबे 250 मुश्किल लग गई है यार। अबे देख तो सही है, टर्बो ऑफ है। अबे टर्बो ऑफ ये हाल है, टर्बो ऑन हो गया तो भाई फिर क्या सीन होगा? रुकना जरा। तो 265।
अबे जरा सुभान भाई ऐसा यार आप कट्टे मारी जा रहे हो 260 के 70 की स्पीड में, पागल तो नहीं हो गए? अबे रुक जा यार, बताया तो है क्या हो गया इसी हो सुभान भाई ओली यार ऐसा सुभान भाई मुझे डर लग रहा है यार, ऐसा करो गाड़ी को यार चुप करके बैठेगा एक मिनट यार सुभान भाई मर जाएंगे दोनों, ऐसा करो यार प्लीज ऐसा कर लो यार, अजीब तू रोला यार बेवकूफ, क्या फायदा तुझे साथ बिठाने का? अबे यार बंदा खुद चला रहा डर कम लगता है, साथ वाले के साथ बैठ के ज्यादा डर लगता है यार, अजीब आदमी है तू यारा, तू क्या खाक रेस करेगा रहने दे, तू ना पार्टिसिपेट कर। नहीं नहीं यार मैं कर लूंगा। ओए भाई ड्रिफ्ट, ओए ओए ये तो प्रॉपर ड्रिफ्ट करते हो, वो व्हील स्पिन वाली है रेयर व्हील है ना, इसलिए मजा करा रहे हो है? हाँ ना यारा, ओए ओए कमाल, चलो इधर से दोबारा पेट्रोल ले, दोबारा पेट्रोल सारा उड़ गया ना। अबे बस इतने से एवरेज स्पीड नहीं देखी क्या साले, वैसे पेट्रोल था भी कम भी। अच्छा तो फिर ठीक है, सुना जानू पसंद आई फिर? मैं कहता हूँ यार इतनी फास्ट कार मैंने आज तक नहीं देखी। अबे यार अभी मैंने टर्बो ऑफ किया, मैंने टर्बो थोड़ा सा मेरा मसले कर रहा है तो मैंने उसको भी संभाल के रखा रेस के लिए, रेस वाले दिन टर्बो यूज़ करूँगा तो ये तकरीबन 280-290 आराम से जाती है भाई लेवल। मैं कहता हूँ कमाल हो गया, मेरा भी करवाओ यार ये सीन। चलो भी जानू करवा देते हैं, तेरी गाड़ी का मसला ही नहीं है, बाकी चेक कर लुक कितनी फ्रेश लग रही है। हाँ ना पेंट हो गया ना, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा सुभान भाई मेरा कराओ यार। हाँ यार कल आ जाएगा, कल तू रात को डिसाइड कर ले गाड़ी का भी और साथ जो रेस में पार्टिसिपेट करना है वो भी, फिर मुझे बता दियो कर लेंगे सब कुछ। चलो ओके ओके ओके, चलो भाई मैं हैंडिंग मैं कर देता हूँ आज। खैर मेरी यार ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना आप सबसे मिलकर लाइक, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। स्मोकिंग कुछ टॉकिंग स्लो काला रंग गड़ी लो, पूरी रात चले क्रूज मेरे साथ, मेरी वो इस्लामाबाद रोडे 4 डैनी लेट पहला शो, डमा कॉल करे पूछे डैनी वे यू आर ब्रो, मैटर फैक्ट आई एम नॉट बिजी आई जस्ट डोंट वांट टू गो, नो न्यू फ्रेंड्स आई डोंट फक विद एनी हो, खतरनाक हूं मैं।